सत श्री अकाल। फास्ट न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करती हूं फटाफट अंदाज दे विच। दिल्ली पहुंचे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला कपूरथला हाउस पहुंच चुके हैं, जिस दौरान कैप्टन नूं मिलण लई कपूरथला हाउस रवनीत बिटू ते अश्विनी सेखड़ी भी पहुंच गए ने। दस दईए कि कैप्टन सोनिया गांधी नूं मिलण लई दिल्ली पहुंचे ने, जो कि कांग्रेस दे कलेश नूं सुलझाउण दा यतन करनगे। दस दईए कि पंजाब दी कांग्रेस सरकार इन्हीं दिनी मुसीबतां विचों लंघ रही है। एक पासे जिथे पार्टी अंदर मतभेद की स्थिति है, उथे ही दूजे पासे विरोधी पार्टियां राज सरकार खिलाफ अंदोलन कर रही ने। इस सब दे विचकार पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली विच कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल मुलाकात करन जा रहे ने। पिछले दिनों विच भी कांग्रेस दे कई आगू दिल्ली पहुंचे सन। नवजोत सिद्धू इस विच विशेष तौर ते चर्चा विच रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू ते सीएम अमरिंदर सिंह विचाले बयानबाजी भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बदल गए ने। रजिंद्रा विश्वनाथ आर लेकर नवे राज्यपाल बने ने, जदों की पहला हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नूं हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया, जो कि पहला हिमाचल के राज्यपाल सन। पेट्रोल ते डीजल दीआं वधीआं कीमतां दे कारण आम लोकां दा सरकार दे प्रति रोस नजर आ रहा है। जेकर रेट घटाए नहीं जा सकदे तां इक कीमत ते तां स्थिर कीता जावे। सरकार जिथे कोरोना महामारी ने अपने पूरे देश विच पैर फसाए हुए ने, उथे महंगाई ने लोकां दा लक तोड़ के रख दिता है। लगातार वधदे हुए पेट्रोल ते डीजल दे रेटां ने आम लोकां दी जेब ते खास असर पाया है। अमृतसर विच लोकां ने कहा कि सरकारां लगातार पेट्रोल ते डीजल दे रेट वधा रहीआं ने, जिस कारण आम इंसान महंगाई दे बोझ हेठ पिसदा जा रहा है। साबका डीजीपी मुहम्मद इजहार आलम का देहांत हो गया। मुहम्मद इजहार आलम नू दिल का दौरा पिया, इस चलते उन्होंने फोर्टिस हस्पताल लिया गया, पर डॉक्टर ने उन्होंने मृतक ऐलान दिता है। इजहार आलम 72 साल के सन। उन्हों का पुत्र विदेश में रहा है, जिसके आने बाद ही उन्होंने अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री परिषद विस्तार दीआं संभावनावां दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे घर होण वाली बैठक रद्द हो गई है। इस तों पहलां सूत्रां दे हवाले तों खबर आई सी कि बैठक च मंत्रियां दे कामकाज दी समीख्या ते मंत्रालयां दी अग्गे दी योजना नूं लै के बनाई गई रिपोर्ट ते चर्चा होवेगी। बैठक च गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रधान जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल ते नरेंद्र सिंह तोमर रहणगे। कोरोना वायरस तो सुरक्षित रहने लई इस दी वैक्सीन दीआं दो खुराकां लगवाउणियां जरूरी ने, पर कई लोकां दे मनां विच कोरोना टीकियां दी प्रभावशीलता जां उल्ट प्रभावां नूं लै के चिंतावां वी ने। यह चिंता या डर उदों होर वध जांदा जदों किसी दे टीका लगवाउण दे बाद मौत हो जांदी है। हालांकि सेहत माहिरां वल्लों टीके नूं पूरी तरह सुरक्षित दस्सिया गया, पर टीकाकरण संबंधी अमरीका दे मिशिगन विच इक 13 साला लड़के दी मौत होण दा समाचार प्राप्त होया। थाना सिटी पुलिस चंडीगढ़ ने आबकारी एक्ट तहत सुखबीर उर्फ बादल ते केस दर्ज किया है। जानकारी अनुसार थाना सिटी पुलिस नूं मुखबर ने इतलाह दित्ती सी कि तिलक नगर श्री मुक्तसर साहिब दा वसनीक सुखबीर उर्फ बादल चंडीगढ़ दी शराब लिया के मुक्तसर साहिब विच वेचण दा धंधा करदा है। जेकर छापा मारिया जावे तां बरामदगी हो सकती है। सूचना ते जदों पुलिस ने कार्रवाई करदिआं छापा मारिया तां 24 बोतलां चंडीगढ़ दी शराब समेत सुखबीर उर्फ बादल नूं गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस च आपसी काटो कलेश दौरान ही वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ते गिदड़बाहा तो विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दौरान चल रही शब्दी खिचोतान भी होर वधदी नजर आ रही है। हुण बीते दिनी वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल वल्लों गिदड़बाहा हल्के दे पिंड मधीर दे छप्पड़लिक भोग समागम दौरान ऐलानी 30 लाख रुपए की ग्रांट मुद्दा बन गई है, जिथे पिंड की पंचायत इस मामले च वित्त मंत्री दे ऐलान नूं गलत ठहरा रही है। उथे ही राजा वड़िंग ने भी इस ऐलान ते सवाल खड़े किए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 रोकू टीकाकरण लई भारत दे तकनीकी मंच कोविन नूं छेती ही सारे देशां लई मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत महामारी नाल जिठण विच आपसी मुहारत ते वसीलियां नूं कौमांतरी भाईचारे दे नाल सांझा करन लई वचनबद्ध है। कोविन कौमांतरी सम्मेलन नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस दे जरिए संबोधन करदे हुए मोदी ने कहा कि तजर्बा दसदा है कि कोई भी राष्ट्र भावें किन्ना भी शक्तिशाली क्यों ना होवे, इस महामारी वर्गी चुनौती नूं वखरा रह के हल नहीं कर सकता। अपनी हकी मंगा ते कच्चे अध्यापकों नूं पक्के करन दी मंग नूं लै के कच्चे अध्यापकों ने अजे भी मोहाली पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे दफ्तर दी इमारत ते डेरे लगाए हुए ने। जथेबंदी नाल संबंधित 3 अध्यापक अजे भी 20 दिनां तों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दी इमारत ते चढ़े हुए ने, जिन्हां दी मंग है कि सरकार उन्हां नूं कीते वादे मुताबिक पक्का करे। दुराहा थाना अधीन पैंदे पिंड बुआणी चों पुलिस नूं इक 62 साला व्यक्ति दी बुरी तरह बदबू मार दी लाश उसदे घर विचों मिली है। इस संबंधी पुलिस वालों उस व्यक्ति का कतल किए जाने का शक जताया जा रहा है। जिक्रयोग है कि मृतक अपने जद्दी घर की पुरानी हवेली विच कल्ला रहिंदा सी,
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਖੰਟ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਆਣੀ ਥਾਣਾ ਦੁਰਾਹਾ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। नवजोत सिंह सिद्धू का एक बार फिर बिजली मुद्दे ते बयान सामने आया। सिद्धू का कहना है कि बिजली समझौतियां नूं रद्द किए बिना मुफ्त बिजली देने दे वादे खोखले ने। उन्हां दा कहना है कि पंजाब विधानसभा विच नवा कानून लियाना बेहद जरूरी है। नेशनल हाईवे नंबर 44 तो दिल्ली वाल नूं जांदे हुए 300 रुपए की टोल परची कट्टी जांदी सी, पर पिछले 8 महीनियां तो किसान अंदोलन करके ही टोल प्लाजा बंद है। किसानों ने इन्हां टोल प्लाजिआं दे धरना स्थान बना के इन्हां नूं यात्रियों लई फ्री कर दिता। हुण कई थावां ते टोल प्लाजा किसानों के पक्के धरने की एक विशेष थां बन के रह गया। किसान अंदोलन के लंबा चलन करके केंद्र नूं वित्तीय तौर ते घाटे का सामना करना पै रहा है। बठिंडा दे भगता भाईका विखे शाम नूं उस समय सोग दी लहर दौड़ गई जदों तीन नौजवान रजवाहे विच इकट्ठे ही डुब गए ते उन्हां दी मौत हो गई। जानकारी अनुसार शहर चों लंघदे रौंता रजवाहे विच तीन नौजवान नवदीप सिंह, विवेक कुमार ते पवित्र सिंह नहाउण लई पहुंचे। डुब्बण तों बचण खातर उन्हां इक रस्सी बाहर दरख्त नाल बन्ह दित्ती। उह तिन्ने रस्सी नूं फड़ के पाणी विच उतर गए। जदों उह पाणी विच मस्ती कर रहे सन तां रस्सी तिन्हां दा भार ना सहारदे होए टुट गई। उन्हां नूं संभालण दा मौका ही नहीं मिलिया ते उह पाणी दे तेज़ वहाअ दे विच डुब गए। आस पास के लोगों को पता लग गया तो हुकत को बचाने खातर उपराला करन लगे, परंतु जब तक नौजवानों को बाहर कढ़िया गया उदों तक बहुत देर हो चुकी सी। लोगों ने हुकत को बाहर कढ़ के सरकारी हस्पताल विच पहुंचाया जिथे डाक्टरों ने तिन्हां नूं ही मृतक करार दे दिता है। ये तिने नौजवान दो दे विद्यार्थी सन अते अपने नतीजे का इंतजार कर रहे सन। थाना दयालपुर पुलिस ने तीनों लाशों को अपने कब्जे विच लैके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। टीकाकरण संबंधी जिला प्रशासन जलंधर ने नवी पहलकदमी की है। जिला प्रशासन दिव्यांग लाभपात्रियों के घर जाके उन्हों का टीकाकरण करेगा। इस प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। प्रशासन वालों सारी नंबर से कॉल करके अपने आप नूं रजिस्टर करवा सकते हैं। उस तो बाद सेहत विभाग की टीम उन्हां डीसी घनश्याम थौरी ने दस्सिया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक हफ्ते लिए चलाई जाएगी ते टीकाकरण मुहिम रजिस्ट्रेशनां की सही संख्या तो बाद ही शुरू होगी। लुधियाना विच ब्लैक फंगस का प्रकोप फिर बदल लग्या। माछीवाड़ा नेड़े पिंड विच एक 37 साला व्यक्ति की ब्लैक फंगस से कोरोना कारण मौत हो गई है। जदों उसकी सेहत बिगड़ी तो उसनू सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया जिथे ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई। इस ही उसकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उसकी हालत बिगड़ती वेख उसनू पीजीआई चंडीगढ़ विखे रैफर कर दिया गया। जर्मनी ने कोरोना वायरस के नवे वेरिएंट तो प्रभावित भारत, ब्रिटेन ते पुर्तगाल दे यात्रियों ते लगाईयां पाबंदियां नूं हटाउण दा ऐलान कीता है। दस दईए कि भारत अते ब्रिटेन विच डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। ब्रिटेन विच इन्नी दिनी कोरोना दे नवे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जदों कि भारत विच रोजाना 40,000 दे करीब नवे मामले सामने आ रहे हैं। इस खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।